नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ओप्पो F19 प्रो या फिर ओप्पो F19 प्रो प्लस 5G या फिर एफ सीरीज या फिर ओप्पो के किसी फ़ोन में आप कॉल वेटिंग की सेटिंग कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे जाना है डायलर पे, इसके बाद 3 डॉट पे जाना है, सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कॉलिंग अकाउंट्स पे जाना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे करियर कॉल सेटिंग्स पे चले जाना है। एडिशनल यहाँ पे सेटिंग्स मिलता है, इस पे आपको चले जाना है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये जो सेटिंग होती है ये करियर की तरफ से होती है, यानी कि आपके नेटवर्क प्रोवाइडर की तरफ से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉल वेटिंग हमारा एक्टिवेट है। अगर आपको डिसेबल करना है तो आप डिसेबल कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, और इनेबल करना है तो यहीं पे क्लिक करके इनेबल कर सकते हो। होता क्या है ये कि जब आप यहाँ पे किसी को फ़ोन कर रखे होते हो तो आपने देखा होगा कि वो बंदा पहले से ही लाइन पे होता है, किसी के साथ बात कर रहा होता है, लेकिन फिर भी उसके पास कॉल वेटिंग में जाती है और आपको पता चलता है कि जिससे आप बात करना चाहते हैं वो किसी नंबर पे बिजी है। आप वेट कीजिए या फिर थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। लेकिन अगर वो बंदा यहाँ पे कॉल वेटिंग को डीएक्टिवेट करके रखता है इस कंडीशन में, तो वो अगर बिजी होगा किसी के साथ फ़ोन पे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, यानी कि फ़ोन आपका रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, या फिर फ़ोन करोगे ना तो डायरेक्टली कट जाएगा, नो रिस्पॉन्स या फिर बिजी ऐसा कुछ बताएगा। ओके, तो आपको पता नहीं चलता है। तो आप देख लो, अगर आपको कॉल वेटिंग की सेटिंग चाहिए, यानी कि एक ही समय पे एक फ़ोन वेटिंग में और दूसरा फ़ोन आप चालू करके अगर इस तरह से कंडीशन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो कॉल वेटिंग की सेटिंग। ओके, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।